अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ले आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और गोश्त की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि स्पेशली मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने लिया है 3 पाव बड़ा गोश्त है। आप लोग चाहें तो यहाँ चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, आधा किलो ही आलू लिए हैं मैंने। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर की कटिंग की है, और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ही प्याज ब्राउन करके रखे हैं, और यहाँ हरी मिर्चें हैं 4 से 5 दाने, एक खाने के चम्मच हल्दी मिर्च और नमक है, 1 खाने के चम्मच ही मेरे पास गरम मसाला है, 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिया है मैंने यहाँ पर। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, ऑयल हमारा गर्म ही है, मैंने यहाँ पर अभी प्याज ब्राउन किया था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गोश्त डालना है, गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई करनी है। यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ हमने गोश्त को यहाँ पर भूनना है। अभी बाकी मसाले मैं बाद में डालूँगी। चलें, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन ऐसे भी डाल लेते हैं। चलें, इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। 10 मिनट के लिए यहाँ पर हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भूनूंगी 10 मिनट के लिए, बाकी के मसाले मैं बाद में डालूंगी। और यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन करके रखा है, यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट बनाना है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। रोटी के साथ मैं इसे सर्व करूँगी, आप लोग चाहें तो इसे चावल के साथ भी खा लेते हैं। और प्याज के साथ ही मैंने एक और टमाटर लिया है अलग से, मैं इसे भी पेस्ट बनाऊंगी प्याज के साथ टमाटर को। तो चलें, अभी 10 मिनट के लिए गोश्त भूनते हैं, तो 10 मिनट के बाद दिखाऊंगी। ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से यहाँ हमने गोश्त को भून लिया है। देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गोश्त भून गए हैं। तो चलें, यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, 2 मैंने दरमियान साइज़ से टमाटर की कटिंग की है, बड़े बड़े साइज़ में। तो चलें, अब मैं इनको टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ गोश्त के साथ। 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर टमाटर को सॉफ्ट करना है, फिर मसाला डालेंगे। चलिए, 2 से 3 मिनट लगे हैं, टमाटर देखें अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पानी डाला है। चलिए, अब मसाले डालेंगे इसमें, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पीसी मिर्च है, आप लोग मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 खाने का चम्मच पीसी मिर्च लिया है, 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास नमक है, और यहाँ पर मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। चलें, अब यहाँ पर इसको डाल देंगे। बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी आलू मटर गोश्त की। एक दफ़ा आप लोग इस तरह से मेरे स्टाइल से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे भूनूंगी, फिर पानी डालूंगी। चले, 1 से 2 मिनट मैंने मसालों के साथ भी भून लिया। ये देखें कितनी अच्छी सी मसालेदार सी ग्रेवी लग रही है हमारी। आप लोग भी इसी तरह से प्याज को ग्राइंड करके डालिएगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलें, ऑयल सेपरेट हो गया, अब मैं यहाँ पर पानी डालूंगी। 1/2 घंटे के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर लगाऊँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। उसके बाद गर्म मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी मैंने यहाँ गर्म मसाला नहीं डाला है। चलिए, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। चलिए, 2 मग मैंने यहाँ पर पानी डाला है, अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए प्रेशर लगा रही हूँ, 1/2 घंटे के बाद इसे खोलूँगी, फिर दिखाऊँगी। चलिए, 1/2 घंटे के बाद मैंने प्रेशर खोल रही हूँ, 1/2 घंटे के बाद। ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। ये देखिए, बहुत अच्छे से ग्रेवी वाले शोरबे बने हैं। चलिए, अब इसी शोरबे में ही हमने आलू मटर डालना है, और मज़ीद पानी नहीं डालूँगी मैं। आप लोग चावलों के साथ खाएँगे तो आप लोग मज़ीद पानी डाल लीजिएगा इधर। मैंने यहाँ रोटी के साथ सर्व करना है, और यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर दोबारा से प्रेशर लगा के सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आलू और मटर दोनों को गला सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर प्रेशर नहीं दोबारा से लगाना है तो 10 से 12 मिनट में आलू मटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे, तो आप लोगों की मर्ज़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं 4 से 5, मैंने यहाँ हरी मिर्चों की कटिंग करके रखी थी, इसे डाल लेंगे। और नमक इस पॉइंट पर आप लोग लाजमी चेक कर लीजिएगा,
एक खाने के चम्मच मेरे पास यहाँ गरम मसाला है, ऐसे भी डाल लेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ दोबारा से प्रेशर लगा रही हूँ ताकि आलू और मटर जो है अच्छे से दोबारा से गल जाए गोश्त के साथ। चले 3 से 4 मिनट के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए 4 मिनट मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया था, स्टीम अच्छे से निकल गई है। ये देखें फ्लेम ऑफ कर दिया था, अब मैं दोबारा से फ्लेम ऑन कर रही हूँ। और यहाँ धनिया के पत्ते हैं मेरे पास, धनिया के पत्ते डालूँगी और सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैं दोबारा से इसे पकाऊँगी धनिया के साथ, फिर डिश आउट करती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी बनी है आलू मटर गोश्त की। ये देखें माशाल्लाह से कितनी थिक ग्रेवी बनी है, हमने प्याज ग्राइंड करके डाला था तो ज़्यादा मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो चलें 1 मिनट पकाने के बाद मैं डिश आउट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें गर्मा गर्म से बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर गोश्त की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।